हेलो हाय, अभी हम मुंबई एयरपोर्ट के पास है। अभी हम इधर से पांडवकड़ा वाटरफॉल्स जाएंगे, जो कि बहुत नज़दीक है। इधर से अराउंड 36 किलोमीटर्स है, तो विच विल टेक अराउंड 1.5 आवर्स। तो अभी हम इधर से ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद पांडवकड़ा फॉल्स जाएंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पांडवकड़ा फॉल्स क्लोज है, कोई बोल रहे हैं कि ओपन है, तो श्योर नहीं है। सो हम जाएंगे उधर, चेक करेंगे, अगर ओपन है तो अंदर जाएंगे, फॉल्स में जाएंगे। अभी हमने इधर से सेल्फ ड्राइव कार बुक किया है रोव कंपनी से, जो गाड़ी अभी आने वाली है, तो हम सेल्फ ड्राइव करके ही जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ यहाँ पर अलाउड है, ठीक है, आप जाइए, मैं आता हूँ। आपको कौन सा डायरेक्शन जाना, बैंड्रा डायरेक्शन? खारगर जाना है हमें। ठीक है, थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना? आप कर सकते हैं। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड दीजिए ना आपको, और बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास भी चाहिए? ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ, आपका कंपनी का सर्विस अच्छा रहा तो फिर हम बोलेंगे। पाँच दिन की गाड़ी है, टिल एंड तक का सर्विस अच्छा रहा तो फिर बोलेंगे कि कंपनी सर्विस अच्छा था, कोई इशू नहीं आया। अगर इशू आया तो इशू आया बोलेंगे। सही बात। सर एप्लीकेशन में ना रेव ऐप में आपका सरनेम ऐड कीजिए। रोहन तो कनूल है। कितना अलग सर्विस चार्ज है डीजल भराने का? पेट्रोल कॉस्ट अलग लेते हैं, लेकिन वो भराने वो सर्विस चार्ज भी तो लेते हैं ना आपके? ओके, अच्छा, कम रहेगा 30% दे रहे हो तो 10% का आपको डिपॉजिट से माइनस होगा। ओके ओके, ठीक। अभी पांडवकड़ा पहुंच गए हम, और थोड़ी दूरी है, ये पूरा ऑफ रोड ही है। मेन रोड से आएंगे तो एक नारियल का दुकान है, कोकोनट शॉप है, तो उधर से आप लेफ्ट लेंगे तो पूरा ऑफ रोड ही आएगा। अभी आगे जाएंगे और देखेंगे पानी आता है कि नहीं, चेक करते। पांडवकड़ा से हम आधा रास्ते से ही रिटर्न आ गए, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपको दिख रहा होगा शायद इधर से ही, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसीलिए हम रिटर्न आ गए। जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मुंबई सिटी से बहुत नज़दीक ही है, शायद सीज़न टाइम में आएंगे तो इधर अच्छा पानी आता होगा। अभी बिल्कुल सीज़न ही नहीं है, बहुत गर्मी पड़ रहा है। कौन सा महीना? दिसंबर का महीना चल रहा है अभी। सो अभी पांडवकड़ा को एंड कर देंगे। अभी इधर से हम नेक्स्ट हम जा रहे हैं नासिक, विच इज़ अराउंड 160 किलोमीटर्स, अराउंड 4 आवर्स लगेगा। सो हम अभी नासिक को एक्सप्लोर करेंगे। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स ड्राइव हो गया है फ्रॉम मुंबई, दैट इज़ टुवर्ड्स नासिक। हम पांडवकड़ा भी गए थे, ऐसा फ्लो गाड़ी का सर्विस अच्छा ही था। हमारा बुकिंग टाइम था 8:30 AM, वो लोग 8:00 ही आ गए थे एयरपोर्ट पर गाड़ी देने के लिए। और जब मैंने गाड़ी लिया था, गाड़ी का कंडीशन वॉज नीट, आगे थोड़ा सा डैमेज था, दैट इज़ ओके, बाकी तो इनसाइड सब क्लीन ही था, एकदम नीट था। और द वे दे रेस्पॉन्डेड टू अस वाज आल्सो गुड। सो पेमेंट पूरा करना पड़ता है, सो पेमेंट पूरा कर दिया, और रिफंडेबल डिपॉजिट एक 2500 उन्होंने लिया है। टोटल कॉस्ट हुआ था लगभग अराउंड 50,000 रुपीज़। सो दैट रेव का सर्विस ऐसा हो तो अच्छा ही है। और 5 दिन हम गाड़ी रखेंगे, और एंड में मैं भी आपको दूसरे वीडियो में इसका एंड का वीडियो का इसका रिव्यू दूंगा मैं आपको। अभी हम नासिक जा रहे हैं, मोर 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। नासिक में जाके अभी हम स्ट्रेटली चेक इन करेंगे, फिर कल से हम नासिक घूमना स्टार्ट करेंगे। सो अब अभी हम होटल जाके आपको मैं होटल बताता हूँ।
एंड्राइज में साया जी, एंड्राइज पे आए, मेन सिटी में, नासिक मेन सिटी पे ही ये होटल है। इस तरफ ना टू जीरो टू हाँ थ्री थ्री ये रूम, ये स्टैंडर्ड रूम है, इधर डिलक्स भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। हमने स्टैंडर्ड ले लिया है, सो दिस कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीस नेट। सो हमने दो रूम लिया है। अभी ये रूम देख लीजिए कैसा है, रूम तो अच्छा ही है, नीट है। आज इधर ही स्टे करेंगे। बाथरूम भी नीट है। सो आज इधर ही स्टे करेंगे हम, कल दूसरा होटल पे चेक इन करेंगे। जी रिफ्रेश हो गया, अभी कुछ खाने के लिए जाएंगे। इधर नासिक में कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, सो उधर जाएंगे अभी। चले चलते हैं अभी। बहुत मुश्किल से हम होटल से इधर आए हैं, पूरा छोटा छोटा गली है, कार अंदर आता ही नहीं है, मुश्किल से लेके आ गए हम। बेटर टू व्हीलर में आइए ठीक रहेगा। अभी हम इधर डिनर करेंगे, इधर एक फेमस दुकान है बुद्धा हलवाई बोल के, बहुत फेमस है। चलिए हम उधर का जगह ट्राई करते हैं। ये स्वीट का दुकान है, आगे है दुकान है, उधर खा सकते हैं हम। बुद्धिया आगे हम, ये सब आइटम इधर मिलता है, ये सब बहुत फेमस है इधर। अगर आप नासिक आ रहे हैं तो आप ये सब आइटम ट्राई कीजिए, एक बार एटलीस्ट ट्राई कीजिए। बहुत छोटा रेस्टोरेंट है लेकिन बहुत फेमस है। अभी ये सब हम ट्राई करेंगे, फिर होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल नासिक एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए हम वीडियो इधर ही एंड कर देते हैं। बाय बाय। होटल से एक 10 से 15 मिनट लगा है। इधर एक फेमस रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट भी नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको,